आज इस बात पे नज़र मारते हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी है। बात नज़रअंदाज करने वाली नहीं है, हालांकि ये बात भी सही है कि अब हमें पिछड़ना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मॉडर्न हैं, लेटेस्ट हैं, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे पड़ना जाना चाहिए। ऐसा अन्ना ने भी कहा और बाकी लोग भी, दिग्गज लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। अब हारने के बाद अंगूर खट्टे हैं, ये सबको समझ में आता है, बट बुरा इसमें बुरी बात क्या है? अगर हम इसमें ये देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडिया में यूज़ हो रही हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है? और जब बात उठी है तो क्यों ना इसको वेरीफाई कर लिया जाए। तो आज इस आर्टिकल में जो लिखा है, इसमें इन्होंने बहुत तरीके से बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पब्लिक सेक्टर कंपनीज बना रही हैं। ऑफिस में लिखा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अपना लिखा है इसके बारे में, कैसे कैसे वो उसको रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी चेक करती हैं, फिर उसके अंदर वो लगाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, देखेंगे। बट जो बात अब हम ये भी जानते हैं, आजकल जैसे कि अभी हाल में देखा गया, कुछ कुछ लोगों ने जो मोबाइल फ़ोन के सिम है उसको टेम्पर किया, और लोगों को फ़ोन आए, बड़े बड़े टॉप डिफेंस के लोगों को फ़ोन ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया से ही आया, जबकि वो फॉरेन कंट्री से आया था, और इंडिया में कहीं पे चिप्स लगा के उसको फ़ोन को डाइवर्ट किया गया किसी आर्टिफिशियल एक्सचेंज में। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो चिप्स कंपोनेंट रिप्लेस विद अलाइक्स टू फेवर ए पॉलिटिकल पार्टी। और इसमें लिखा है टू बीट मॉक ड्रिल्स मैनिपुलेशन प्रोग्राम सच दैट इट किक्स इन ओनली वंस, वोटिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ए व्हाइल बट फाइनल टैली डॉजी। अब ब्लूटूथ लिंक हो, एच ई पी द ब्लूटूथ लिंक प्लेस्ड इन ईवीएम कंट्रोल फ्रॉम ए मोबाइल फोन ड्यूरिंग पोलिंग। अब वोटर्स को पता ही नहीं चलता कि वोट किसको कास्ट किया, रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। और फिर आफ्टर वोटिंग के बाद वो हार्ड डिस्क होती है, अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो गड़बड़ी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे उसमें लिखा है। अब इसका तोड़ क्या है? अब इसका जो तोड़ है वो ये है, हैकिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब टू पी एस यूज़ बनाते हैं, बट उसका जो चिप है वो फॉरेन कंट्री से आता है, कहीं फॉरेन कंट्री की कंपनी तो नहीं शामिल इसमें। अब कोई इंसाइडर फ्रॉड बाय एनी ऑथराइज पर्सन विद एक्सेस टू ईवीएम्स। अच्छा चलो, अब इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी उठ रही है तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब पीछे तो जाना नहीं है, पेपर पैड तो स्टार्ट करना नहीं है। एक जो इसका तरीका है वो है पेपर ट्रेल बैंकिंग ऑन वीवीपैड फॉलोइंग ए पी आई एल बाय सुब्रमण्यम स्वामी। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ईसी टू इंट्रोड्यूस वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैड इज ए स्लिप जनरेटेड इन ए प्रिंटर लाइक मशीन अटैच टू ई वी एम एंड फ्लैशेज वोटर्स चॉइस ऑफ ए कैंडिडेट एंड पार्टी। जनरेटेड स्लिप इज शोन फॉर ए फ्यू सेकेंड्स फॉर द वोटर टू एसेस टू क्रॉस चेक बिफोर इट फॉल्स इन टू ए सील्ड ड्रॉप बॉक्स विच कैन बी ओपन ड्यूरिंग काउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 8 ऑफ द 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2014। इन पंजाब वीवीपैट यूज इन 33 ऑफ द 117 सीट दिस टाइम। ऑल पोलिंग बूथ इन गोवा हैड फैसिलिटी इन 2017 पोस्ट। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि एक ये भी तरीका है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुब्रमण्यम स्वामी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यों ना इसमें एक पेपर स्लिप जनरेट की जाए। आफ्टर ऑल हम जब मॉल में जाते हैं या अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तब भी तो एक पेपर स्लिप निकलती है ना, तो इसी तरह की पेपर स्लिप निकले और उस पेपर स्लिप को जिस बंदे ने वोट डाली है उसको देखने का अधिकार हो, उस पेपर स्लिप को एक बैलेट बॉक्स में डाल दी जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना की जाए, काउंटिंग की जाए, जहाँ डाउट हो
पेपर बैलेट स्लिप निकाल लो, वेरीफाई कर लो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, तोड़ है। तो इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट है, हालांकि मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, अब ये मामला उठा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बोला है और ऐसा इलेक्शन कमीशन ने किया भी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रिंटर नहीं है, जो छोटा सा प्रिंटर आता है उसमें से एक स्लिप निकलती है, जैसे क्रेडिट कार्ड में निकलती है, और जब भी कोई वोट कास्ट करे उसमें से एक स्लिप निकले कि इसमें ये इस बंदे ने, इस वोटर आईडी नंबर ने इसको वोट डाला है, और वो बंदा जो है वोट डालने के बाद अपना देख सके कि प्रिंटर ने प्रिंट क्या किया है, और उस वो जो स्लिप निकली है उसको एक बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए उसको दिखाने के बाद, ताकि इन केस कभी कोई कंट्रोवर्सी अराइज हो तो उस बैलेट बॉक्स को खोल के देख वेरीफाई कर लिया जाए। रैंडमली कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। अब देखें बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही है। हाउ इट इज़ द वर्ल्ड ओवर, जर्मनी एंडेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन 2009 ऑन ग्राउंड्स दैट द सिस्टम लैक ट्रांसपेरेंसी। जर्मनी में 2009 में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बंद कर दी थी। द नीदरलैंड्स बैंड ईवीएम्स इन 2007 आफ्टर एन एंटी ईवीएम ग्रुप शोड हाउ द मशीन्स कुड बी मैनिपुलेटेड विद इन 5 मिनट्स विदाउट एनीबडी स्पॉटिंग द फ्रॉड। अब नीदरलैंड में ऐसा हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी पाई गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स दैट यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मेक ए पेपर ट्रेल मैंडेटरी। अब यूनाइटेड स्टेट्स में जब भी कोई वोट डालता है उसके साथ पेपर स्लिप जनरेट होना कंपलसरी है। इंग्लैंड एंड फ्रांस हैज़ नेवर यूज्ड ईवीएम्स, और इंग्लैंड और फ्रांस में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कभी यूज़ ही नहीं हुई। अब वर्ल्ड ओवर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर रिलायबिलिटी कम है क्योंकि फ्रॉड हो सकते हैं। तो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी वोटिंग हो उसका एक पेपर स्लिप निकले, जिसने वोट डाला है उसको अधिकार हो देखने का कि भाई मैंने जिस पर वोट डाला प्रिंटिंग भी वही है, उसके सामने ही उस पेपर स्लिप को बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए जो छोटी सी होगी, और बैलेट बॉक्स को अलग रखा जाए ताकि इन केस ऑफ कन्फ्यूजन जब भी कहीं डाउट हो बैलेट पेपर गिन लो। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर टैली करेंगे तो कोई शक का सवाल ही नहीं। तो दिस इज़ वन थिंग विच नीड टू बी डन अर्जेंटली व्हेन सो मेनी पीपल हैव रेज द क्वेश्चन। थैंक यू। एंड दिस वॉज पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड मार्च 17, 2017।